नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में और मैं हूं आपका सॉलिडर संदीप कटारिया। इस वीडियो में हम लाए हैं धनु राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जनरल ट्रेंड्स वर्ष 2019 के लिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। धनु राशि वालों की कुंडली 2019 के लिए अगर मैं ध्यान से और गहराई से पढ़ता हूँ तो मैं पाता हूँ कि इस वर्ष की शुरुआत में आपको बेवजह भाग दौड़, बिना वजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर रुकिए रुकिए, ये सिर्फ चंद दिनों की बात होगी और इस संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलने के भी पूरे योग हैं। परंतु आप ये कहेंगे कि चलो ये तो ठीक है, सभी एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बात करते हैं, हमारे को स्पेसिफिकली बताओ कि हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, सुनने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपकी कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन कर चुका हूँ। अब आपको मैं पहले बता दूं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियों की और खुशखबरियों की उम्मीद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जॉब के बारे में। इस वर्ष आपको नौकरी में प्रमोशन की सौगात मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में परिस्थितियां आपके हित में यानी कि आपके फायदे में होंगी। धनु राशि के वह जातक जो व्यापारी हैं, उन्हें इस वर्ष बिजनेस में लाभ होने के बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति यानी कि इनहेरिटेंस या फिर अचानक लाभ जो कि इंश्योरेंस से होता है, लॉटरी से होता है, स्टॉक मार्केट से होता है, वह भी मिल सकता है, जिसकी हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। मेरे धनु राशि वाले मित्रों, मैं इस वर्ष आपकी कुंडली में कुछ अजीब सी चीज देख रहा हूँ आपके बारे में, और वह ये है कि हो सकता है कि इस वर्ष आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लें। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, चाहे वो तारीफ झूठी ही क्यों ना हो, और अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कि आप उसके ऊपर बिगड़ जाएं, गुस्सा हो जाए, इसलिए इस चीज से सतर्क रहें, अपना बैलेंस बना के रखें और ईगो को तो अपने अंदर आने ही ना दें। और इसका थोड़ा सा असर आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ पर भी हो सकता है, इसलिए अगर आपके प्रियतम ने कोई बात कह दी है तो उसको आप बहुत ज्यादा उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ना करें। ऐसी उम्मीद ना करें कि आपका प्रियतम, आपकी जीवन साथी आपकी हर बात में हाँ मिलाए, नहीं, उनकी अपनी राय भी हो सकती है, इसलिए उनके विचारों की, उनकी दृष्टिकोण की थोड़ी सी इज्जत करिएगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है तो मिल बैठकर उसका हल निकालिए। ऐसा करने से वर्ष 2019 में आप दोनों के बीच में संबंध मधुर बने रहेंगे और आप दोनों खुश रहेंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर ध्यान ना दिया गया तो आपकी शादीशुदा जिंदगी कुछ औसत ही चलेगी, इसलिए आपको इस वर्ष जो शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव हैं, उनका अच्छे से सामना करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। साल के शुरुआती महीनों में आपको सेहत संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। कभी कभी आप कम काम करके भी थकाव महसूस कर सकते हैं। इस साल वाहन भी थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। आइए अब बात करते हैं परिवार की और सगे संबंधियों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं देख रहा हूँ कि इसमें अलगाव से मतलब हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर कहीं बाहर हो या आपको काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहना पड़े, अलगाव भी होगा और साथ में मिलजुल कर जश्न भी मनाएंगे, तो दोनों ही परिस्थितियों को आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो इसका मजा लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। और हाँ, इस वर्ष परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य का अच्छा न रहने के कारण कुछ अधिक खर्चा भी हो सकता है, परंतु पारिवारिक खर्चों में बढ़ोतरी ये वर्ष के शुरुआती समय में होगा, धीरे धीरे सभी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके कामकाज की। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऊपर कुछ काम का ज्यादा ही बोझ ले लें और 5-6 महीने के बाद आप कुछ थकावट, कुछ तनाव महसूस करें, इसलिए हो सके तो काम
को उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, और साल के बीच में एक बार छुट्टी जरूर ले लें ताकि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ कहीं घूमने जा सके, जिससे आपकी एनर्जी अर्थात आपकी ऊर्जा रिचार्ज हो सके। इससे आपको थोड़ा सुकून भी मिलेगा और तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों के बारे में अच्छी खबरें ही आपको मिलेंगी। बच्चे आपसे बेहद खुश होंगे और आपको प्यार करेंगे। धनु राशि के छात्र भी अपनी मेहनत से इस साल को सामान्य से बेहतर बना सकेंगे। हाँ, ये जरूर देखा जाएगा कि इनके टेस्ट के रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकती है। कहने का मतलब है, एक टेस्ट में तो नंबर बहुत ज्यादा आए और कुछ समय बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें नंबर कम आए। इसका एक ही हल है कि भाई मेहनत करिए, हमेशा एक जैसा फोकस रखिए, एक जैसी कॉन्सेंट्रेशन रखिए, तो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स भी बेहतर ही रहेंगे। धनु राशि के लिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2019 में जब जब ग्रहों की चाल को आप पाएं अनुकूल है, तो उसका पूरा फायदा उठाइए, अपने लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने बिजनेस के लिए। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के लिए हमने आपकी राशि के लिए और भी वीडियोस अपलोड किए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, इन्हें आप जरूर देखें। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और गोचर जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए मोटे तौर पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने और समझने में ग्रहों का अध्ययन हमें बहुत मदद देता है। इसलिए अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करना क्या है, बस नीचे चल रहे नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक। और हाँ, ध्यान रहे, ये पेड कंसल्टेशन ही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा मिले। कहना ना होगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करके आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं आपके प्यार, सराहना, सहयोग और सुझाव, इन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में भी हमारा साथ निभाते रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, जिससे हमें बल मिलेगा, जिससे हमें और नए नए वीडियोस बनाने का उत्साह मिलेगा। वर्ष 2019 आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही मंगलमय हो, ये ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आपके लिए शुभकामना है। आपने ये वीडियो अंत तक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।